टैली सॉफ्टवेयर में अकाउंट्स का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हमें अकाउंट्स के फंडामेंटल के बारे में क्लियर करना होगा। अकाउंट्स में कुछ लॉजिक है, कुछ फॉर्मूला है, कुछ टर्म्स है, उससे पहले अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। बिना समझते हुए हम टैली प्रैक्टिकल आसानी से नहीं कर सकते। 20 साल पहले कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट को ज़्यादातर अकाउंट्स में प्रीफरेबल दिया जाता था, लेकिन आज का समय में ये बदल चुका है ये लॉजिक। चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का स्टूडेंट हो, साइंस का स्टूडेंट हो, कोई भी टैली में प्रैक्टिकल कर सकता है। बस उसे महीना, दो महीना या तीन महीना अकाउंट्स का फंडामेंटल के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके बाद वो आसानी से टैली में प्रैक्टिकल कर सकता है और उसके बाद उसको टैली प्रैक्टिकल के लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो चलिए हमने पहले टैली फंडामेंटल के बारे में जानते हैं। यहाँ पहले देखिए मेरा स्क्रीन में लिखा हुआ है व्हाट इज इवेंट, आंसर है ऑल द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ ए पर्सन कॉमा ऑर्गेनाइजेशन कॉमा कंपनीज आर नोन एज इवेंट। इसका मतलब हुआ कोई भी इंसान हो, कोई भी संस्थाएं हो, कोई भी कंपनी हो या बैंक्स हो, उसका डेली बेसिस पे जो भी काम होता है उसको इवेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे ईटिंग फूड्स खाना खाना, रीडिंग बुक्स किताब पढ़ना, राइडिंग साइकिल साइकिल राइडिंग करना, सिटिंग बैठना, उठना, जाना आना, खाना, कुछ भी हो, कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे कोई इंसान का, कोई संस्था का, कोई कंपनी का, कोई बैंक्स का, उसे इवेंट कहा जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या है। आंसर है एन इवेंट व्हिच इज एसोसिएटेड विथ मनी और व्हिच अफेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस और व्हिच इज मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इवेंट इज नोन एज ट्रांजैक्शन। इसका मतलब हुआ कोई भी घटनाएं अगर पैसा से लिंक होता है या कोई भी घटनाएं किसी भी संस्था पे फाइनेंशियल पोजीशन को बदलता है, उसका आर्थिक स्थिति का को बदलता है, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, बस कोई भी घटनाएं को अगर पैसा से तुलना किया जाता है उस घटना को हम लोग ट्रांजैक्शन कहेंगे। कुछ एग्जांपल देखिए परचेज ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज 12,000, जैसे 12,000 का कोई सामान खरीदा गया है, सोल्ड ए बाइक ऑफ रुपीज 27,500, 27,500 रुपये का कोई बाइक खरीदा गया है, बिक्री किया गया है, पेड रेंट ऑफ रुपीज 1,000, 1,000 रुपये का घर का किराया दिया गया है, सैलरी पेड सैलरी ऑफ रुपीज 12,000, 12,000 का सैलरी दिया गया है, रिसीव्ड इंटरेस्ट 600 रुपये का एटसेट इत्यादि। तो इसमें सूद दिया गया, किसी को सूद हम लोग को मिला है, रिसीव किया गया है। इसी तरह से अगर कोई भी इवेंट अगर पैसा से कनेक्शन होता है तो वो हो जाता है क्या, ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट व्हाट इज अकाउंट, अकाउंट इज ए बिजनेस वर्ड, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस। अकाउंट जनरल हम लोग यूज करते हैं, कोई भी, चाहे आप हो चाहे हम हैं, कहते रहते हैं, कभी भी कहते रहते हैं कि जाइए मेरे अकाउंट से पैसा उठाइए, अरे राम मेरा
एटीएम कार्ड लेके जाए अकाउंट से, एक बार पैसा जमा करके आ, इस तरह का हम लोग अकाउंट का वर्ड यूज करते हैं, बिजनेस में यूज होता है। लेकिन इसमें तीन प्रोसीजर है, एक हुआ रिकॉर्डिंग, दूसरा क्लासिफाइंग एंड समराइज। जो भी ट्रांजैक्शन हमें मिलता है उसे पहले प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, कौन सा परचेज में जाएगा, कौन सा सेल्स में, कौन सा रिसीव, कौन सा पेमेंट में, एंड फाइनली समराइजिंग निकलता है उसका लाभ हुआ या नुकसान हुआ है। तो सच थ्री प्रोसीजर्स, वो तीन प्रोसीजर को एज ए होल एक ही नाम दिया गया है जिसका नाम है अकाउंट। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, और इसी तरह से मैं आगे भी नया नया वीडियो अकाउंट्स रिलेटेड लाता रहूंगा। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।